हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लर्न पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रशियन बास्केटबॉल लीग में का मुकाबला होने वाला है के जे डेन वर्सेज के आर ए के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट कवर करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पे अपनी टीम बनाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं समोली और ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो समोली में के जे डन की तरफ से मारियो जेंजा को अपनी टीम में, जेरन जॉनसन को अपनी टीम में, के जे डन की तरफ से दोनों प्लेयर को आप अपनी समोली टीम में लेकर चले। अगर मारियो के बारे में बात करें, अभी तक इन्होंने इस लीग में लगभग 300 के लगभग पॉइंट कर रहे हैं, एक अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में। एज ए अभी तक इन्होंने स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 300 के लगभग पॉइंट कर रहे हैं। करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 267 यानी कि 267 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मॉल फॉरवर्ड आपको आपकी समोली के लिए देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी समोली टीम इनको एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में जरूर लेकर चलिए। के जे डन की तरफ से एक अच्छे खासे आपको एक्सपीरियंस प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। जेरन जॉनसन के बारे में बात करें, इस लीग में 185 के लगभग पॉइंट कर रहे हैं, हर मैच में लगभग 20 से 50 के बीच पॉइंट कर करते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन के जे डन की तरफ से आपकी समोली के लिए बेस्ट पिक होने वाले। तो आप अपनी टीम में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाले, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन देने हो जाएगा। अब हम बात करें के आर ए की तरफ से जेलन बैफर्ड को अपनी टीम में और एरिक मैकलम को अपनी टीम में, जे के आर ए की तरफ से समोली में जरूर लेकर चलिए। अगर जेलन बैफर्ड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कि जेलन बैफर्ड अभी तक इन्होंने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में, शूटिंग गार्ड के रूम में 242 के लिए अभी तक इन्होंने पॉइंट करोगे, एक अच्छा खासा आपके पास के आर ए की तरफ से शूटिंग गार्ड। दोनों टीमों में से बेस्ट पिक आपके पास शूटिंग गार्ड के रूम में जेलन बैफर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी समोली की टीम में आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड के आर ए की तरफ से जेरन। अगर दूसरे शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, एरिक मैकलम भी आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड के रूम में ऑप्शन आने वाला है। 235 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट करके, करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 216 यानी कि 216 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में हर मैच में लगभग 20 से 60 के बीच पॉइंट कर करते हैं। तो आप अपनी टीम में दोनों प्लेयर आपके पास, दोनों शूटिंग गार्ड आपकी स्मॉल लीग टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले। तो इन दोनों प्लेयर को आप अपनी टीम में जे शूटिंग गार्ड के रूम में आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर लेकर चले। इन्हीं को आप अपनी टीम में जे कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक के बारे में, तो मार्कोस पिसो को अपनी टीम में और एटम क्लेमेंको को अपनी टीम में, के जे डन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा। समोली में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए क्योंकि रिस्की प्लेयर है, हम अपने रिस्की प्लेयर को समोली से दूर रखें उतना ही हमें फायदा होने वाला है। समोली में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चलने पड़ते हैं, इसी कारण हम रिस्की प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं लेकर चल सकते। तो के आर के बारे में बात करें, क्विनन कुक को अपनी टीम में और एलम विलियम्स को अपनी टीम में, के आर ए की तरफ से ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाला है। समोली में आप इनको बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, इनको आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में बेझिझक लेकर चल सकते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाएगा। तो की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो के सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म में के जे डन की तरफ से, यानी कि टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं के जे डन की तरफ से, अजय पॉइंट गार्ड के रूम में जेट्स को अपनी टीम में लेकर चले, ब्राउन को अपनी टीम में, अजय शूटिंग गार्ड के रूम में, मारियो जेंजा आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में, समोली ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाला है। जेलजिको सैकी को आप अपनी टीम में पावर फॉरवर्ड के साथ साथ टोनियो जैकरी को अपनी टीम में जे सेंटर रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। के जे डन की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। तो के आर के बारे में बात करें, जेरन बैफर्ड को एज अपनी टीम में जे शूटिंग गार्ड के रूम में, समोली ग्रैंड लीग दोनों टीम में बेस्ट पिक होने वाले हैं। एरिक मैकलम भी आपके पास एक अच्छा खासा समोली ग्रैंड लीग पिक होने वाला है, इनको भी आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में जे शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चले। विंगटन के बारे में बात करें, पावर फॉरवर्ड के रूम में ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन होने वाला, और मोटले को आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जे सेंटर रूम में लेकर चलना चाहे तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला। के आर ए की तरफ से चारों प्लेयर बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, हर मैच में अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में होते हैं, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक आपको के आर ए की तरफ से चार प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं।
हमने डिस्क्रिप्शन में वी जनरेटर का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप वी जनरेटर को डाउनलोड करें। वी जनरेटर को क्यों डाउनलोड करें, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज सिर्फ और सिर्फ आपको वी जनरेटर पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। इसमें आपको ये बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, 5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, यानी कि हर मैच से बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें, हर गेम का 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा। तो लाइन पाने बाद एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट वेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको 300 रुपये बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ वी जनरेटर पर तैयार करें। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं केजेडएन की तरफ से, जेट सेव के बारे में बात करें, जो पॉइंट गार्ड में 71 के लिए पॉइंट करके, लोरेंजनो बाराउन के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड ग्रुप में 133 के अलावा, मार्कोस पिसो ने एज ए शूटिंग गार्ड ग्रुप में 60 के लगभग, अगर होजंजा के बारे में बात करते हैं एज ए स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 300 के लगभग, जेरोन जोन्स ने एज ए स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 185 के ऊपर पॉइंट करके, के जेडन की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है, हर मैच में अपने बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस में होते हैं। तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक आपको देने में मिल जाएंगे, इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। केआरए के बारे में बात करें, क्विनन कुक ने एज ए पॉइंट गार्ड ग्रुप में 31 के लगभग, जेलन वेफर्ड ने एज ए शूटिंग गार्ड ग्रुप में 242 के अलावा, एरिक मकल ने भी एज ए शूटिंग गार्ड ग्रुप में 235 के साथ साथ, एंड्री मैट्रिक के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 174, और वेडिश जो आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड 2 मैच में 57 के अलावा पॉइंट कर गए। केआरए की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर इस लीग में है। तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनमें से प्लेयर पिक करके चलना चाहें तो आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ, आपके पास एक अच्छा खासा पिक देने को मिल जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन बारे में बात करें, दोनों टीमों में से दो दो प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक ऑप्शन होने वाले। बात करते हैं लेजेंजो ब्राउन के बारे में, बात करें अच्छा खासा पॉइंट लेवल पॉइंट शूटिंग गार्ड ग्रुप में पॉइंट कवर करके 15 के लिए क्रेडिट ले लें, आप अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में जरूर लेकर चलिए। हजंजा के बारे में बात करें, एजे शूटिंग गार्ड के रूम में सॉरी दोस्तों एजे स्मॉल फोर्ड के रूम में खेलते हैं, के जेडन की तरफ से स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम में कैप्टन रूम में लेकर जा सकते हैं। एरिक मैकलम भी आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल लीग में कैप्टन, और जे मोटले को आप अपनी टीम में एजे ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में लेकर चलना चाहिए तो आपको कोई भी लॉस नहीं होना। तो चाहे आप स्मॉल लीग टीम बनाए ग्रैंड लीग टीम बनाए, इन 4 प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लेकर चलिए, चारों प्लेयर बहुत ही अच्छे खासे पिक होने वाले हैं जी कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड को जरूर देख लें, इन्हीं में से आपके प्लेइंग एट होने वाले हैं। तो बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में, हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में ये प्लेयर खेलने वाले, बाकी हम आपको लाइन अपने बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के बारे में बात करें, केआरए की तरफ से एमएचको को अपनी टीम में एज पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। दूसरे बारे में बात करें तो आप अपनी ड्रीम टीम में सचर विनू को अपनी टीम में एज पॉइंट गार्ड के रूम में, ग्रैंड लीग टीम में एज इनको पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपके पास एक अच्छा खासा मौका, इनको आप अपनी पहली ग्रैंड लीग टीम में एज पॉइंट गार्ड के रूम में जरूर मौका दीजिएगा। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, थॉमसन आपके पास केआरए की तरफ से, और ब्राउन आपके पास के जेडन की तरफ से बेस्ट पिक आपके पास शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले। बात करते हैं स्मॉल फोर्ड के बारे में, बात करें एजोंजा आपके पास एक अच्छा खासा के जेडन की तरफ से आ जाए स्मॉल फोर्ड के रूम में बेस्ट पिक होने वाला है। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, वोटर्स नोविक आपके पास एक अच्छा के जेडन की तरफ से, और लिटलेंस के आपके पास एक अच्छा खासा के आर ए की तरफ से आ जाए पावर फोर्ड के रूम में पिक होने वाला है। जोसन मोटले को आप अपनी टीम में आज के आर ए की तरफ से सेंटर रूम में जरूर लेकर चलेगा, आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट पिक सेंटर के रूम में देने में मिल जाएगा। तो ब्राउन को अपनी टीम में कैप्टन, और थॉमसन को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन के रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, आपके पास एक अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक विजनर डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज सिर्फ और सिर्फ विजनर पर कमा सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजनर पर तैयार करें।